श्रीदेवी की मौत के बाद अब सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर श्रीदेवी की मौत कैसे हुई, आखिर कैसे वह 1.5 फुट गहरे बाथटब में डूब गई। ऐसे ही कुछ सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे। इन्हीं में से हमने 5 सवाल ऐसे चुने हैं जिनका अगर जवाब ढूंढ लिया जाए तो शायद श्रीदेवी की मौत के कारण से पर्दा उठ सकता है। आखिर अकेले दुबई में क्यों ठहरी श्रीदेवी? शादी समारोह के बाद बोनी कपूर छोटी बेटी खुशी के साथ मुंबई लौट आए थे। मौत वाले दिन बोनी कपूर सरप्राइज देने के लिए दोबारा दुबई गए। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह थी कि श्रीदेवी अकेले दुबई में ठहर गई थी। जहां तक श्रीदेवी के पुराने बयानों पर गौर करें तो वह अपनी बेटी जाह्नवी की फिल्मों में आने के बाद काफी गंभीर थी। जाह्नवी इन दिनों मुंबई में अपनी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं। ऐसे में स्वाभाविक है कि श्रीदेवी बिना किसी खास वजह के बेटी से दूर रहने का फैसला नहीं कर सकती थी। 48 घंटे में किस किस से हुई श्रीदेवी की बातचीत? पति और बेटी के भारत लौटने के बाद श्रीदेवी 48 घंटे दुबई में अकेली रही। इस दौरान वह होटल के कमरे से बाहर नहीं निकली। ऐसे में पता लगाने की जरूरत है कि इस दौरान श्रीदेवी ने किन किन लोगों से फोन पर बातचीत की थी। कॉल डिटेल से बड़ा सुराग मिल सकता है। 48 घंटे तक कमरे में क्यों कैद रही श्रीदेवी? होटल कर्मचारियों का कहना है कि पति बोनी कपूर और बेटी खुशी के भारत लौटने के बाद श्रीदेवी 48 घंटे तक होटल के कमरे में बंद रही थी। बताया जा रहा है कि पति बोनी कपूर अचानक उन्हें सरप्राइज देने आते हैं और उन्हें डिनर पर चलने के लिए कहते हैं। श्रीदेवी वॉशरूम में तैयार होने के लिए जाती हैं और उनके साथ यह हादसा होता है। बड़ा सवाल यह है कि श्रीदेवी 48 घंटे तक होटल से बाहर क्यों नहीं निकली? किस आधार पर डॉक्टर ने कही कार्डियक अरेस्ट की बात? पति बोनी कपूर ने जब श्रीदेवी को बेहोशी की हालत में देखा तो डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद श्रीदेवी की मौत को नेचुरल बताया और वजह के तौर पर कार्डियक अरेस्ट। उस डॉक्टर ने किस आधार पर कार्डियक अरेस्ट की बात कही जबकि श्रीदेवी का शव बाथटब में डूबा हुआ मिला था? श्रीदेवी के शरीर में कितनी थी अल्कोहल की मात्रा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि श्रीदेवी के शरीर में अल्कोहल की मात्रा थी। यहाँ यह पता लगाने की जरूरत है कि आखिर उनके शरीर में कितनी मात्रा में अल्कोहल था। अगर अल्कोहल की मात्रा ज्यादा थी तो बड़ा सवाल यह भी है कि श्रीदेवी ने खुद अल्कोहल लिया था या उन्हें जबरदस्ती या साजिश के तहत पिलाई गई थी। यहाँ एक सवाल यह भी है कि क्या बाथटब में पानी भरा होना महज इत्तेफाक था?